हौसला अफजाई किया और इस लोग उसको खुद ने आकर यहाँ पे विजिट भी किया, देखा भी, और मैं इसको खतर के साथ स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और जितने भी यहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस रात को विंटर सपोर्ट्स के लिए जो पोटेंशियल यहाँ पे है, इसका जो आप लोगों ने मुजाहिरा किया यहाँ पे, तो मैं अब तमाम लोगों का, जितने भी हमारे फ्रेंड्स जो पश्चिम से आए हुए हैं मेहमान खसूसी, उनका मैं वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और उसके साथ साथ यहाँ पे द्रास के जो हमारे हमीद साहब है, जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जो हमेशा हर काम पे फील्ड में आगे आके वॉलंटियरली काम करते हैं, उसका भी खैर मकदम करता हूँ। उसके साथ साथ जो सलीम सर हमारे यहाँ के जो है सपोर्ट में हमेशा जो सपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज इन्होंने किया यहाँ पर इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को हिम्मत दिलाई, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ मैं स्वागत करता हूँ। तो उसके अमीन साहब है ना, हमारे जो हिमालयन सपोर्टर्स क्लब के जो सदर हैं अमीन साहब, वो भी हमेशा यहाँ पे मौजूद रहते हैं, उसका भी मैं वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। वो हमेशा द्रास को आगे जो है हर सपोर्टर्स में आगे लाने की कोशिश करते हैं, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे सलीम साहब हो, जितने भी यहाँ पे द्रास के जो यूथ्स हैं, जितने भी सपोर्टर्स के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमेशा हर फील्ड में हर वक्त जो है द्रास को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं विंटर सपोर्टर्स के थ्रू। ज़्यादा ना कहते हुए आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमेशा आप लोग ऐसे काम में ताउन करें। वस्सलाम अलैकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स BDC द्रास, मिस्टर सलीम, मिस्टर अमीन पोलो, कि जिन्होंने हमें दावत दी, कि जिन्होंने हमें इनवाइट किया इस स्लोप पे सीकिंग करने के लिए। हम फ्रेंड्स पश्चिम की तरफ से दिल की उम्मीद गहराइयों से आप तमाम लोगों का हम शुक्रगुजार है कि आप लोगों ने हमें इज्जत दी, यहाँ हमें बुलाया, हमें इनवाइट किया उसके लिए। तो मैं इस स्लोप के बारे में, मैं खुद हमारा जो एसोसिएशन है, सारे सीकियर्स जो है वो उतना नेशनल लेवल के प्लेयर तो नहीं है, हमारा भी चंद सालों का ही एक्सपीरियंस है, दो किसी का 4 साल, किसी का 5 साल, किसी का 2 साल। हमने यहाँ आके विजिट की तो हमने यहाँ देखा कि ये स्लोप जो है, दी स्लोप्स हैव अ ह्यूज पोटेंशियल, ये समर सीकिंग के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई स्लोप पोटेंशियल रखता है तो वो द्रास का स्लोप है, जिसको बहुत ज़रूरत है कि एक्सप्लोर करने की। द सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, तो लोग आए, बाहर के लोग आए, विद इन द कंट्री, हर स्टेट से लोग आए या आउटसाइड द कंट्री लोग आए, यहाँ विजिट करें, सीकिंग करें, बिकॉज ये स्लोप जो है वो बहुत ही पोटेंशियल लगता है। तो यहाँ की मैं खासकर द्रास के यूथ के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग यहाँ पे आपके इस सीकिंग स्लोप्स को जो है वो एक्सप्लोर करने की बहुत दिन जो है या रात जो है वो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि इनके साथ जोड़े, सलीम साहब है, अमीन पोलो साहब है, इनके साथ जोड़ के आप काम करें, ताकि ये जो है ये वन आपका एक एसेट बन जाएगा आने वाले दिनों में, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, तीसरा चौथे साल में इंशाल्लाह अगर ये एक्सप्लोर हो जाएंगे तो यहाँ पे ये लोग आएंगे, बाहर से टूरिस्ट आएंगे, ये आपके लिए एक अच्छा सा एसेट बन जाएंगे, यहाँ से आप सोर्स ऑफ इनकम कमा सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप सब मिलजुल के इनके साथ दे के इनका मेम्बर बन के काम करें, ताकि ये स्लोप जो है वो एक्सप्लोर हो ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी में तो आज जो पश्चिम से आए हैं, जितने भी यहाँ पे लोग यहाँ पश्चिम से सनोसकी करने के लिए आए हैं, तो आप लोग जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो इसको 25 मार्च से आप लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, 25 से आज तक कम से कम 5 दिन हो गए, तो आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की इसके लिए। तो मैं UT एडमिनिस्ट्रेशन और UT लद्दाख की पब्लिक से मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे पश्चिम के भाई यहाँ पे आके स्लोपस वगैरह में सनोसकी कर रहे हैं द्रास में, तो UT लद्दाख के कहीं से भी, चाहे वो हमारे संकू से हो, जनस्कार से हो, चाहे हमारे लेह के नुबरा से हो, कहीं से भी लोग हो, लेह से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी ब्लॉक से हो, तो हम आप सबको दावत करते हैं कि हमेशा आके यहाँ पे ऐसे इवेंट्स कराएं, आप लोग यहाँ पे कोशिश करें यहाँ पे आने का। हम सब एक हैं, हम सारे यूटी लद्दाख के लोग हैं, तो हमें जो है, चाहे वो सपोर्टर्स को इम्पोर्टेंस देने के लिए या हमारे जो है टूरिज़्म को इम्पोर्टेंस देने के लिए, हमें सबकी ज़रूरत है कि हमें अपना अपना जो भी यूटी लद्दाख का एरिया है इसको हमेशा हेडलाइट करते रहें। तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सलीम साहब का, और मैं
हमारे अमीन पोडू साहब का, जो हमेशा इस इवेंट्स करते रहते हैं, और जितने भी पश्चिम से आए हमारे दोस्त यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले मैं आपका थैंक्स कहता हूँ सलीम भाई। आप हर एक्टिविटीज़ में नज़र रखते हो और ग्राउंड ज़ीरो पे जाते हो, और सबसे बड़ा ये जो 5 दिन का इवेंट है, आप सर अमीन पोलू हमालियन के प्रेसिडेंट, आप सलीम साहब सोशल मीडिया, तो इससे हमें बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे अच्छा पोटेंशियल है ICK का, स्नो सिक्की का। तो अभी आप, मैं आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। यहाँ पे ICK का बहुत अच्छा मौसम है। यहाँ पे अभी स्नो सिक्की जो हम आए थे तो बहुत अच्छा लगा, खासकर जो पश्चिम से आए हमारे ICK वाले सपोर्टर मैन, तो बहुत अच्छा लगा उन्हें कि ICK खेलने को देख के हमारा मन भी बड़ा अच्छा लगा। हमें खुशी महसूस हो गई कि हमारे एरिया में भी इतना अच्छा पोटेंशियल है जिसको आप लोग हाईलाइट कर रहे हो। तो हम आपका थैंक्स कहते हैं और हमारे लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो आगे आए, इस खेल का मज़ा लें, तो इस एडवेंचर को टूरिज्म में फैलाएं, ताकि हमारे लोग बाहर से आ जाएं, टूरिस्ट यहाँ बूस्ट हो और यहाँ हमारे लोगों को रोज़गार हो। इस टूरिस्ट से भी काफ़ी रोज़गारी हो सकती है।